सुंधा चलवारी के बड़ा प्यारा दरबार सजलवा मई बिंधा चलवारी के जौनपुर धाम चौकिया मैया से दिला भवानी के जौनपुर धाम चौकिया मैया से दिला भवानी के नवरात्र में धाम सजलवा ओ नवरात्र में धाम सजलवा मई बिंधा चलवारी के
फिर धन दुवरिया जाके पूछली मायरिया हो केने बड़ सेवा का हमार घमा के थाकल बानी भूखल पिया तल बानी कुछ उतले आवाहार निर्धन दुवरिया जाके पूछली मायरिया हो केने बड़ सेवा का हमार घमा के थाकल बानी भूखल पिया तल बानी कुछ उतले खुश होके खाई ली मैया बासी पुड़िया।
प्राचीन काल के बात हा, थावे एगो छोटा राज रहे, जहां चेरू वंश के राजा मनन सिंह राज करत रहन। उही राज में चमार जाति के एगो माई के परम प्रिय भक्त रहसु रहत रहन। आगे के कहानी का बा भक्त लोग, आई सुनल जाओ ई भजन के माध्यम से। भगता था में धम के कहानिया, सुना सुना भगता था में धम के कहानिया,
रहसु पे माई के असीम कृपा रहे। रहसु दिन भर खेत से कचरा जुटावत रहा। आधा रात के सांप के रस्सी बना के ओह रस्सी में बाघ के बांध के आ कतरा के दौरी करत रहन। आ उहे कतरा के झूर से अन्न निकलत रहे। आ उहे अन्न रहसु दिन दुखिया में बाटत रहन। जौना के सुन के राजा बहुत क्रोधित हो गए। तब का भइल माई के भगत पूछले ए रहसु तू इतना धन कहां से लेके आवेला कि अपने भी खाला आ गरीबन में बाटेला। तब रहसु कहले हे राजन ई सब माई के कृपा से होता। तब राजा कहले ए रहसु तू झूठ बोला तारा। एमे माई के कोनो शक्ति नहीं है। अगर ऐसन बात बा तो तू अभी अपना माई के बुलावा। हम देखल चाहता नहीं उस शक्ति। तब रहसु कहले हे राजन ऐसन मत करी। अगर माई आ गई है तो राउर विनाश हो जाई। तबु मनन राजा ना मनले। राजा कहले ना लगले आ कहले जबले तोहर माई नाई है हम तोहरा पर असहे कोड़ा बरसावत रहे। तब रहसु लाचार होके मैया के ध्यान धैले आ कहले कि हे मैया आई अपन शक्ति दिखाई आ अपना भक्त के लाज बचाई। तब मैया क्रोधित होके शेर पे सवार होके काम रूप से थावे चल देली। रहसु के